सो हे गाइस, दिस इज हर्ष। वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। फिलहाल अभी शाम के हो रहे हैं 7 और आज मैं काफ़ी शाम को स्टडी व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैंने लास्ट टाइम जो 21 डेज का हार्ड चैलेंज ले रखा था उसमें मैंने क्या किया था कि शेड्यूल बना लिया था कि इतना भी से मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना है। और मुझे लगता है कि वो मुझे सबसे खराब चीज़ मैंने बनाया था, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ 21 डेज का एक्सपीरियंस, जब मैंने अपने टाइम शेड्यूल बना लिया था कि इतना बजे से इतना बजे पढ़ना है, अगर मैं उस समय नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को फॉलो, तो उससे क्या होता है कि उस पूरा या तो पूरा दिन ही खराब हो जाता था। आप समझ सकते हो कि अगर मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट मुझे फील हो रहा था और इससे मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। गाइस, मैंने इस 75 डेज हार्ड चैलेंज में मैंने कोई भी शेड्यूल नहीं बनाया है, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करूंगा, क्योंकि सबको पता है कि अपना उसका सिलेबस क्या है। तो वो आप सुबह सुबह आप क्या कर सकते हैं कि टू-डू लिस्ट तैयार की जाए, जो भी चार्ज आपको पढ़ना है उसे बस अपना कंप्लीट करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा, आपको मन में कोई रिग्रेट भी नहीं रहेगा, बस रिग्रेट इस बात करेगा अगर आप उस टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो बस इसमें टाइम शेड्यूल कोई टाइम है नहीं, तो जब भी आप पढ़ाई करें तो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो पाएंगे और इससे आपको कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। इससे मैंने 75 डेज में कोई भी शेड्यूल नहीं बनाया, मैं अपना एक टू डू लिस्ट तैयार करूंगा पर डे और उसे मैं कंप्लीट करूंगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करना चाहता हूँ, यही आप लोग भी कर सकते हैं। तो अभी शाम के साथ हो ही रहे हैं, इसलिए मैं आज कोई भी टू डू लिस्ट तैयार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 घंटा है और मुझे पता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला चीज का पढ़ना है वो है फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद पढ़ने के बाद मुझे याद करना है ये जो लूसेंट है इसमें। और क्योंकि आज मैं मुझे पता है बस यही दो चीज मुझे 2-3 घंटा के अंदर पढ़ना है, इसलिए मैं कोई टू डू लिस्ट तैयार नहीं कर रहा हूँ। अब शुरू करते हैं आज का स्टडी, बट उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी मेरी तरह नोट्स बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी बना रहा था, ये मेरा 11-12 का नोट्स है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक लाइन लाइन वाला कॉपी है और इसमें जो है मैं पूरा यहाँ पर नोट्स तैयार कर रहा था। बट गाइस इस तरह से आप लोग को गलती नहीं करना है। लाइन वाला कॉपी होता है, इसमें क्या होता है कि आपका टोटल माइंड फोकस नहीं हो पाता है और इससे जो है आपकी मिस्टेक्स भी बढ़ती है। बट गाइस अगर आप स्विच कर जाएंगे एक इस टाइप की कॉपी, यानी बिना लाइन वाली कॉपी, जैसे कि मैं देख सकता हूँ ये बिना लाइन वाली कॉपी, इस तरह का एक अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो इससे जो है आपका जो भी आपका मेन मेन पॉइंट्स या जो भी आप नोट्स में लिखेंगे उसमें डायरेक्ट आपका एग्जैक्टली उस पर फोकस जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग छोटा सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इस टाइप का कॉपी मत यूज कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बट यहाँ पर कितना क्लियरली विजिबल है, और जो भी आप पॉइंट्स नोट करेंगे उसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। और ये जो लाइन जो आपको एग्जैक्टली सीधा सीधा करना है ना, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में होगा। जब और टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये लाइन को आपको सीधा हो जाएगा और उसके बाद जो आपका माइंड काफी ज्यादा इसमें फोकस रहेगा, क्योंकि आपको इसको आपका माइंड को लगेगा कि मुझे आप सीधा सीधा लिखना है, तो इससे माइंड आपका काफी ज्यादा फोकस रहेगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वैसे ये मेरा 11th का कॉपी है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कितना ये कितना मोटा सा कॉपी है, मतलब यहाँ तक मैंने 11th कितना अभी पता है आपको, बहुत सारा मैंने पेज उल्टा दिया बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं चला होगा, बहुत ही पेज है इसमें। बाकी ये सब मुझे सब कुछ याद आ रहा है, ये केमिस्ट्री की कॉपी है। और अगर इससे भी ज़्यादा मैं मोटा आपसे एक कॉपी दिखाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर 700 पेज का है, ये देखिए ये बहुत ही मोटा, मतलब कैमरा में तो उतना अच्छे से विजुअल नहीं है, कितना ज़्यादा डिफरेंस पता चल रहा है। तो इस टाइप की कॉपी मैं ज़्यादा यूज़ करने के लिए प्रीफर नहीं करूँगा, और क्यों अगर आपको करना ही है तो इस तरह से कॉपी में कीजिए जो जिसमें जो है बिल्कुल एक वाइट पेज हो और कहीं भी लाइन वगैरह कुछ नहीं हो। फिलहाल अभी मेरा हो चुका है स्टडी कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ केवीसी देखने के लिए, क्योंकि भाई अपना होम टाउन और भाई ये और केवीसी देखने में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फिलहाल अभी इसको बाय बाय करते हैं इस जगह को और अब चलते हैं सीधा केवीसी देखने के लिए। तो गाइस अभी मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को मेरा स्किन रूटीन, जो कि मैं नाइट में फॉलो करता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है और उस बाउल में पानी भर कर उसको फ्रिज में रख देना है कुछ टाइम के लिए, और उसका जब ये पूरा पत्थर बन जाएगा आइस बन जाएगा, फिर इसे इस तरह से निकालना है और इसको अपने फेस पर एटलीस्ट 4 से 5 मिनट के लिए अप्लाई करना है। वैसे अगर आप सप्ताह में 3 से 4 दिन अप्लाई कर सकते हैं, और गाइस ये काफी ज्यादा हमारे फेस के लिए बेनिफिट होता है। ये पिछले मैं 1 साल से कर रहा हूं और मेरा फेस का ग्लो देख सकते हैं गाइस कितना बढ़ चुका है। सो
गाइस फिलहाल अभी टाइम हो चुके हैं रात के 10:30 और अभी मैं फिलहाल अभी डिनर कर रहा हूँ और आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज खाने के लिए फटाफट इसको खाते हैं और उसके बाद आज का इस ब्लॉग वहीं पर एंड करने वाले हैं और ये मेरा आज डे भी खत्म होने वाला है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू द लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।